हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग कर रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल एनर्जीज जो है हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, सो शफल करने जा रही हूँ डाइस को, डाइस रीडिंग के जरिए चेक करेंगे। डाइस शफल करने जा रही हूँ, आप अपनी जल्दी से पार्टनर का ध्यान कर लें। यूनिवर्स मुझे बताएं, स्त्री पुरुष जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जो भी व्यक्ति इनके माइंड में चल रहा है, उस इंसान की करंट एनर्जी मुझे बताएं इनके लिए क्या है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति काफी स्ट्रांगली आप लोगों के लिए कर्क राशि, पाइसिस मीन राशि, वर्गो राशि, यहाँ पर एक्यूरस राशि, लिब्रा राशि, लियो राशि और एरिस राशि देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लोगों के लिए टॉरस राशि भी है। इस व्यक्ति की एनर्जी में ऐसी है कि कश्मकश चल रही है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको अप्रोच करें या नहीं करें। आइसोलेशन की एनर्जी डेफिनेटली है। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में आलस भी दिखाई दे रहा है, लेजीनेस बहुत फील कर रहे हैं और ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा है। और ये ओवरथिंकिंग आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट को लेकर है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करें नहीं करें, अप्रोच करें नहीं करें, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना सही डिसीजन है, क्या इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगी, इस तरीके के सोच विचार इनके अंदर कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है और यहाँ पर थकान, एग्जॉशन, बॉडी पेन, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है रेस्टलेसनेस है और कहीं ना कहीं रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। पिछले लंबे समय से रात को सो नहीं रहे ठीक से, या तो देर से सोते हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी एक्टिविटीज को लेट नाइट चेक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या करते हैं, देर कितनी देर तक ऑनलाइन है, शायद आपको किसी ऐप के जरिए चेक किया जा रहा है कि आप कितनी देर तक ऑनलाइन है, कब सोते हैं, कोई एक्टिविटी। अगर आप ट्रू कॉलर वगैरह जानते हैं तो शायद ट्रू कॉलर पे आपको इनका नोटिफिकेशन आता होगा कि आपको चेकआउट कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ आइडिया आपको लगता जरूर होगा। क्लियरली मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा इरिटेशन की एनर्जी है, जहां पर ये बहुत इरिटेट हो रहे हैं अपने सोच विचारों को लेकर। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर अचानक से आपको लेकर इतने रेस्टलेस क्यों हो गए, क्योंकि यस इससे पहले भी इन्हें आपकी याद तो आती थी, पर इतनी ज्यादा रेस्टलेसनेस और ऐसी फीलिंग नहीं थी कि जिससे इनको लगे कि अब जल्द से जल्द बात करनी है, जल्द से जल्द चीजें ठीक करनी है, ऐसा इनको कोई फीलिंग नहीं आ रहा। इनको अभी ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस्टलेस है, और मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी इस इंसान से बात करनी है, जल्द से जल्द इस इंसान से कनेक्ट करना है, जैसे चीजें ठीक करनी है, कहीं ये इंसान मेरे हाथ से ना निकल जाए। जैसे आपको खोने का डर, जैसे आप किसी और के हो जाएंगे, इस चीज का डर, एक अजीब सी इनसिक्योरिटी इनके अंदर शुरू हो चुकी है काफी ज्यादा। प्लस इस वक्त आसपास माहौल बहुत खराब है, इनका प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं जगलिंग है। अब ये जगलिंग ये तो डिफाइन नहीं कर पा रहे कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो जगलिंग मुझे दिख रही है वो ये है कि अंदर अकेलेपन से बहुत गुजर रहा है और ये अकेलापन दिन ब दिन इनको हॉन्ट कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। इन्हें लग रहा है ये जिंदगी भर अकेले रह जाएंगे, आपके बिना रह जाएंगे। एक इनसिक्योरिटी और कश्मकश वाली एनर्जी ज्यादा है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कोई प्रैक्टिकल निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं, सोचे कोई फैसला लें ताकि आप और ये जो है जो भी डिसीजन ले रहे हैं कल उसके लिए पछताएं नहीं, रिग्रेट नहीं करें, कल ऐसा नहीं हो कि वो आपके पास आ जाए, आप दोनों एक हो जाए और फिर कोई प्रॉब्लम आए और फिर रिग्रेट करना पड़ जाए। तो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा डिसीजन जो है ये हड़बड़ाहट में ले जिससे कल आपको भी प्रॉब्लम हो, इनको भी प्रॉब्लम हो। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको लेकर लॉयल्टी भी फील कर रहे हैं कि इन्हें लग रहा है आपके प्रति अब इन्हें लॉयल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लॉयल्टी नहीं दिखाई इसलिए इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई। तो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपके साथ लॉयल होने की जरूरत है, इन्हें आपके साथ वफादारी से इस रिश्ते में रहने की जरूरत है। और ये मन में ये कन्फ्यूजन लेकर बैठे हैं कि क्या इस चीज़ के लिए वो रेडी हैं, कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि वो आपके लिए फटाक से जो है इस रिलेशनशिप में जंप करें और बाद में रिग्रेट करें कि उन्होंने क्या कर दिया। यहाँ पर 1 और 5 की एनर्जी एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ये चांसेस हैं इनसिक्योरिटी के, जिसमें चांसेस है कि अब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आज रात में ही आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आने वाला है, कुछ लोगों के लिए विद इन 10 डेज। ठीक है, 10 डेज आज रात पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर का एक्शन एक्सपेक्टेड है, आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति की एनर्जी में ये आपको लेकर गार्ड्स अप करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से, अपनी फैमिली से, मे बी आसपास के लोगों से। कहीं ना कहीं ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी में, जहाँ पर आपको ये खोना नहीं चाहते, आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। इनको लग रहा है बस आपको कुछ हो ही नहीं। सडनली ऐसे थॉट्स कहाँ से आ गए? होने की एनर्जी क्लियरली ये जो गार्ड्स अप वाली एनर्जी दिख रही है वो 2 कारणों से दिख रही है। एक तो या तो इनकी फैमिली और आपकी फैमिली कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो जिसके वजह से आप दोनों अलग हो रहे हैं, जो इन्हें मंजूर नहीं है, इन्हें नहीं चाहिए कि आप दोनों अलग हो जाएं।
दूसरा ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इन्हें लग रहा है कि आपकी फैमिली कहीं और आपका रिश्ता तय कर देगी, या आपका रिश्ता कहीं और पक्का हो जाएगा, बात कहीं और बढ़ जाएगी और ये अकेले रह जाएंगे जिंदगी भर के लिए, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये रेस्टलेस हो रहे हैं। या बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि आप कहीं और ऑलरेडी कमिटेड हैं, मे बी आप मैरिड हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है, आप अपने पार्टनर के साथ कोई अच्छे लवी डवी फोटोज लगा चुके हैं, जिसको लेकर ये इरिटेशन और जलसी महसूस कर रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि इससे पहले आप उस व्यक्ति के ना हो जाए, उस बात उनकी बातों से इन्फ्लुएंस ना हो जाए या उनके झांसे में ना आ जाए, इससे पहले ये कोई एक्शन ले ले। लाइक रेस्टलेसनेस, अजीब सी बेचैनी उन्हें फील हो रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल ये है कि बहुत लंबे समय से अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑब्स्टेकल ये है कि ये व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की जगह उसे दबाकर ईगो, एग्रेशन, गुस्सा ज्यादा दिखाते नजर आए हैं। हर बार ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अपने प्यार दिखाने की जगह आपके सामने कुछ भलती ही चीजें, उल्टी चीजें ही करते नजर आए। इस व्यक्ति की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग के चलते सरदर्द की शिकायत से भी गुजर रहे हैं। इनको बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, जैसे किसी चीज का मजा नहीं आ रहा और बिना वजह रोने का मन कर रहा है। इस वक्त इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा बिना वजह रोने की एनर्जी है, स्टबन एनर्जी भी है, अकेले रहने की बहुत इच्छा है, ऐसा लग रहा है कोई बात ना करे, किसी से भी कनेक्टेड ना रहे, सबसे दूर दूर रहने की इच्छा करती है। कहीं ना कहीं इरिटेशन है, मूड स्विंग्स है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जितना दूर रहे लोग इससे उतना अच्छा। इनकी एनर्जी में इनके वर्क प्रेशर भी बहुत ज्यादा बना हुआ है, काम का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, काम में भी बहुत कुछ अचीव करना है, जिसको लेकर भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नजर आ रहे हैं। आप लोग दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर क्लियरली इस थर्ड पार्टी से भी बहुत इरिटेट हो चुके हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर राहु, सूर्य और यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी, जिसमें दिख रहा है कि इनके साथ भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, ऑलमोस्ट चीजें खत्म होने के लिए या एंड होने के लिए शुरू हो चुकी हैं, जहाँ पर थर्ड पार्टी भी इनके साथ इश्यूज क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइफ में डिफिकल्टी है, आप यहाँ पर खुश दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी में हैप्पीएस्ट एनर्जी दिख रही है, तो इन्हें लग रहा है कहीं आपको खो ना दे, तो इसलिए इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। यहाँ पर 1 on 3 की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा शक्की होते हुए और पजेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा शक्की और पजेसिव। इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है इन्हें भूल रहे हैं, आप जो है इन्हें भूल कर आगे बढ़ रहे हैं और आप इन्हें तकलीफ दे रहे हैं, आप इन्हें हर्ट कर रहे हैं। लाइक आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई और को इम्पोर्टेंट मिल रही, किसी और इंसान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही और आप अब बदल रहे हैं। आपकी एनर्जी में, आपकी पर्सनालिटी में या तो किसी तरीके के चेंजेस आए हैं, कोई तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, किसी तरीके का आपका जो है बिहेवियर और पैटर्न चेंज हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति उसी को चीज को देखकर, मे बी कोई स्टोरी, मे बी कोई आपका स्टेटस, मे बी डीपी, मे बी कोई एक्टिविटी फलाना किसी पर्सन से, कुछ इन्हें आइडिया लग गया जिसके वजह से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सडनली रेस्टलेस हो गए हैं और इन्हें लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको इस तरह से देख रहे हैं जैसे आप एक स्टार हैं, और इन्हें लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, एक लॉटरी लगी हुई है, बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें कोई ना कोई आपको अप्रोच करके आपका दिल जीत लेगा और ये देर कर देंगे, इसलिए कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ संबंध बेहतर कर दें। इससे पहले कोई और व्यक्ति की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए आपकी नज़र में, कोई और व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, ये चाहते हैं कि आपके साथ जो संबंध बिगड़ गए हैं उसे ठीक किया जाए। इनकी लाइफ में वैसे ही कलेश चल रहा है, इन्हें अकेलापन वैसे ही लग रहा है, तो इन्हें लग रहा है इससे अच्छा मैं इस चीज को ठीक कर दूं, इससे पहले सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाए, मैं इस चीज को बेहतर करूं। यूनिवर्स मुझे बताए इनका इरादा क्या है, इनका इरादा क्या है, इनके आने का इरादा या इनके अप्रोच करने का या इस सोच के पीछे का इरादा क्या है। कोई खास ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इरादा अच्छा ही दिख रहा है, नेक ही दिख रहे हैं। 1 on 4 की एनर्जी, अब 1 रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग को, 4 रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को। 1 और 4 एक साथ आना बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर 1 on 4 की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर का इंटेंशन बहुत क्लियर है, उनको चाहिए कि वो आपके साथ सेफ एंड सिक्योर लाइफ जिए, स्टेबल लाइफ जिए, एक अच्छी लाइफ जिए जिसमें आप दोनों हैप्पी रहें। इन्हें लग रहा है कि अगर आप हाथ से चले गए तो इनकी जिंदगी की हैप्पीनेस कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी, ये अपनी जिंदगी में दोबारा हंस नहीं पाएंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे और ये कहीं ना कहीं रोते रह जाएंगे, जिंदगी भर मायूस रह जाएंगे और आपकी जिंदगी में तो ढेर सारी खुशहालियां आ जाएंगी, आप हैप्पी रह जाएंगे। तो ये ऐसा मानते हैं कि एक हैप्पी पर्सन आप हैं और ये हैप्पीनेस उन्हें अपनी जिंदगी में चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए कि आपके बिना वो अपनी लाइफ को इमेजिन करें, वो रोते रह जाएं, अपसेट हो जाएं। प्लस उन्हें ये भी लगता है कि आप उनकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपसे उन्हें मोटिवेशन, प्रेरणा, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, जिसके वजह से उन्हें चाहिए कि आप उनके पास रहें।
अब ऐसे में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिक्कत है, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं या तो आप उन्हें चिढ़ाने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप चाहते हैं कि इन्हें तकलीफ हो, जलसी फील हो, इन्हें इरिटेशन हो। इनसिक्योरिटी डेवलप करने में कहीं ना कहीं आपका भी कोई इंपॉर्टेंट रोल है। आप कुछ ना कुछ कोई मलाई खा रहा है, पता नहीं कौन है यार, एक मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुआ सडनली। आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, जो भी मलाई वलाई खा रहा है, आई डोंट नो क्यों मुझे एकदम से दिख रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर रेस्टलेसनेस यूं ही नहीं है, आपका कुछ ना कुछ इसमें मोटिव है, इसमें आपका ही कुछ मस्ती है, आपने ही कुछ किया है जिसके वजह से एकदम से रेस्टलेस हो गए। या तो ऐसा है कि आपने कुछ नहीं किया, आप बस खुद को और सुंदर और बेहतर बनाने में लग गए हैं, आप खुद को और ज्यादा एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, खुद में खुश हैं, हैप्पी हैं, फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शायद इसके वजह से आपकी जो हैप्पीएस्ट पॉजिटिव एनर्जी है उन्होंने इनको अट्रैक्ट करने में हेल्प किया है। कहीं ना कहीं इस एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आज रात के लिए, आज रात तक आ जाएगा कॉल या मैसेज, कुछ लोगों के लिए विद इन 10 डेज में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है, एक सेकेंड। हाँ यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, इनके पार्टनर को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। गेट टू नो ईच अदर, कॉन्फ्लिक्ट्स, जेंडर रोल्स, सिचुएशन बदल रही है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सिचुएशन बदल रही है। सच में जो इन्हें फील हुआ वो यूं ही नहीं हुआ, आप सच में आगे बढ़ रहे थे, आप सच में किसी और व्यक्ति के हो रहे हो, या किसी और से बात कर रहे हो, या किसी से कनेक्ट कर रहे हो, आपने शायद कोई फैसला लिया है मूव ऑन करने का, आपने डिसीजन लिया है, क्योंकि आप रोज रोज के इस प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं, आप थक गए इस इंसान से डील करते करते। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है इरिटेशन को आप दोनों के रिश्ते में। गेट टू नो ईच अदर, यानी कि इस रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स चाहती है आप लोग दोनों को याद आ जाए कि आप लोग दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, आप दोनों का संबंध एक दूसरे से क्या है, आप दोनों एक दूसरे का महत्व समझ जाए, एक दूसरे का कनेक्शन समझ जाए। इसी वजह से आप लोगों को यूनिवर्स ने कुछ समय के लिए अलग किया था। कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप थक चुके हैं, आप इरिटेड हो चुके हैं। जेंडर रोल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में रोल एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि अब जितना स्वाभिमान और अकड़ इन्होंने दिखाई थी उतना स्वाभिमान और अकड़ आपके अंदर देखने को मिलेगा, जितना आपने इनको चेज किया उतना ये आपको चेज करेंगे। आप लोग दोनों एक दूसरे का रोल चेंज करते नजर आ रहे हैं, आप दोनों में एक मेजर मोमेंट आ रहा है जिसमें आप इनकी जगह ये आपकी जगह, इस बार इग्नोर आप करना चाहेंगे, आप कहीं ना कहीं दूर भागेंगे और ये आपके पीछे लगेंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप में अब लॉयल्टी है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप में अब आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल रहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उन्हें रियलाइज हो चुका है जो उन्होंने किया वो बिल्कुल भी राइट नहीं था। जब आपके खोने का डर इनके दिमाग में आया, हावी हुआ, तब इन्हें रियलाइज हुआ कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कितने ऐसे डिसीजन लिए जिसमें इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। रियलाइजेशन के साथ अब ये चीजें ठीक होंगी, और यहाँ पर आप दोनों की अब जगह बदली होगी, आप इनको आसानी से माफ नहीं करने वाली, एनर्जी क्लियरली दिख रही है। ठीक है, यदि आपने ऑलरेडी प्लान किया था कि मैं तो आसानी से माफ करूंगी, तो मेरी जान ये आपकी रीडिंग नहीं है, फिर ये रीडिंग डेफिनेटली किसी और व्यक्ति की है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, आप लोग अभी जो है अभी से अभी मैं विदा लेती हूँ, और कोई डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना। ठीक है, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।